उसमें जो है ना बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, आप चाहे 50-30 मिनट चला लो। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ GoPro Hero 10 और Gorilla Tripod को हम मोटो व्लॉगिंग के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। GoPro का और Gorilla Tripod को है ना, छोटा वाला Gorilla Tripod है अपने पास और एक GoPro Hero 10 ब्लैक है न्यू मॉडल और मीडियम मॉडल है उसका, साथ में माइक के साथ है। 5 ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो फिर मिलते हैं आपको माउंट करने के लिए। वही हमारी जो पहली ट्रिक रहेगी ना टंकी का माउंट कैमरा में, इस तरह से माउंट हो जाएगा। देखो माउंट होने के बाद इसका ऐसे माउंट हो जाएगा, देखो इस तरह से एक ग्रिप बना लेगा बहुत ही शानदार। और ये कहीं भी नहीं जा रहा, इसको ट्राई करके दिखाएंगे। और इसमें देखो व्यू भी बहुत अच्छा आने वाला है इस तरीके से, इस स्प्लेंडर के साथ। इसकी थोड़ी हाइट कम हो रही है, कोई बात नहीं, हाइट कम हो रही है। चला कर दिखाते हैं इसको, देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ से चाबी ऑन करते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा भी होने वाला है ना, इसमें देखो बाइक जो है ना पूरी आती है, देखो बहुत तकड़े वाले गड्ढे हैं एकदम, जो है ना बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, आप चाहे 50-30 मिनट चला लो। रील्स वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके है। इसमें क्या है बाइक भी आपकी प्रॉपर दिखेगी और सबसे बढ़िया है कैमरा बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हो रही है। इस कैमरा बहुत अच्छा हो गया, बहुत नेक्स्ट बार आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, गाड़ी का लेग गार्ड है ना, नेक्स्ट बार आपको ये दूसरी ट्रिप होने वाली है। नेक्स्ट बार आपको इस तरीके से माउंट करना पड़ेगा, देखो इस तरह से लगाया हमने इसको है ना, और इस तरह से इसको रस्सी की तरह हैंड बिल्कुल एकदम, इसकी ग्रिप बहुत शानदार है। देखो इस तरह से लग रहा है ना, we'll be right back.
गाइस तीसरी ट्रिक जो है हमारी वो हीरो स्प्लेंडर के पीछे है। इस तरह से रखना होगा, इसको ऐसे हैंड कर देना, ऐसे हैंड देना इसको। और बैक साइड का व्यू भी आप इंजॉय कर सकते हो, इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो आप। इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, बिल्कुल ऐसा करके इस तरह से ये माउंट हो जाएगा, है ना। ऐसा करके हो गया ना। ये देखो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा यहाँ से। इसलिए थोड़ी सी सेटिंग बिठा लेना, और साइड का जो व्यू है ना बहुत ही खतरनाक आएगा, बहुत ही खतरनाक। देखो आप साइड का व्यू ले सकते हो, और गिरा भी नहीं, आप 10-20 किलोमीटर आराम से चला रहा हूँ। तो गाइस इसको हम 5वीं बार फिट करेंगे हैंडल का, है ना। इससे क्या होगा गाइस, इससे जो है ना बाइक का जो वाइजर है ना वो दिखेगा नीचे से, है ना। तो इसको हम क्लच के दूसरी साइड माउंट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको कान बैठने करेंगे। बाइक भी नहीं दिखेगी, बाइक का वाइजर भी नहीं दिखेगा। देखो अब इसका वाइजर जो है ना, आप इसकी डिस्प्ले में देख सकते हो, इसका वाइजर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये पता नहीं किस चीज़ से रिकॉर्ड कर रहे हैं मैंने। देखो और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, आप इसको अपने फेस की तरफ भी घुमा सकते हो, और इसको आप दोनों लेफ्ट और राइट साइड भी घुमा सकते हो, मतलब चारों तरफ घुमा सकते हो इसको। तो वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें देखो वाइजर भी नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, और ये वाइब्रेट भी नहीं हो रहा।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ मैं ये 5 ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये देखो ट्राईपॉड जो है ना ज्यादा महंगा तो है नहीं, ये 250 रुपए को अमेजोन पे मिल जाएगा। 5500 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा इसका, तो ये आपका पड़ जाएगा जी 400 रुपए मान लो अप्रोक्स, इतना आपका घर पड़ जाएगा है ना। तो आप इसको लाओ और मोटो व्लॉगिंग के लिए इसको इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है ये। लोकल है, ये ओरिजिनल नहीं है, कभी इसको आप ओरिजिनल समझ रहे हो तो ये ओरिजिनल नहीं है। और ये ज़रूर ले लेना इसका, ये भी वहीं से मंगा लेना, जब गोरिल्ला ट्राइपॉड मंगाओगे ना आप उसी के साथ साथ मंगवा लेना इसको भी है ना। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं।